आज मैंने सोचा क्यों ना मोतीचूर के लड्डू बना लिया जाए। तो मैंने क्या किया, एक कप बेसन ले लिया, इसमें मैंने डाल दिया है फूड कलर और थोड़ी सी पानी। पानी थोड़े थोड़े ही डालना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ। बस इस तरह से मिक्स करते जाना है, इसका घोल तैयार हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसको छानने की ओर। बस कोई जालीदार बर्तन होना चाहिए आपके पास, कोई भी जालीदार होनी चाहिए, उसमें आप डाल दो इस घोल को और धीरे धीरे करके ये नीचे गिरते रहेगा और बस बूंदी बनते रहेगी आपको। लेकिन ये अभी तक इसका प्रोसेस अभी शुरुआत ही हुई है। आगे आगे देखिए, ऐसे आपको बनाना नहीं है। बस इसके आगे देखिए मैं क्या करती हूँ। बस इस तरह से छान लिया मैंने, निकाल लेना है, इसको ग्राइंड कर लेना है मिक्सी में। अब हम इसकी चाशनी बना लेंगे। मैं चाशनी एक्चुअली कम बना रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल मीठा पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है आप एक्स्ट्रा चीनी डाल सकते हो, नो इशू। बस इस तरह से चाशनी में मैं इसको घोल डाल रही हूँ। घोल डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। बस आगे आप देखते जाओ ना, बड़ी अच्छा बनेगा, डोंट वरी अबाउट डैट। सो इस तरह से आपको गोल गोल करके लड्डू बना लेनी है, जैसे मैं कर रही हूँ। और ये काफ़ी मतलब टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा रहेगा, जस्ट बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी एंड प्लीज़ ट्राई वंस। एंड ये देखिए इस तरह से लड्डू आपकी बन जाएगी, और आप चाहो तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हो। मैंने बनाई और मैंने खाई भी, तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा आप टेस्ट करके आप देख सकते हो कि चीनी कम या ज़्यादा है या नहीं, और उस हिसाब से आप इसको बना सकते हो। इस तरह से आप हाथों से बेल लेंगे। ये देखिए क्या बढ़िया मेरी लड्डू बनकर तैयार हो गई ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।